राजधानी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना, छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में घोषणा की कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से राज्य को 4 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी गई है। इनमें मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और गीदर शामिल है। इन कॉलेजों के लिए कुल 1220 करोड़ रुपए का टेंडर भी अपलोड किया गया है, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो जाएगी। मंत्री का दावा है कि इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बयान पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने पलटवार किया है। श्रीवास्तव ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान में जिन मेडिकल कॉलेजों की बात की जा रही है उनकी स्वीकृति कांग्रेस शासन के दौरान दी गई थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी। भाजपा सरकार अब सिर्फ उन्हीं कामों का श्रेय ले रही है जिनका निर्माण कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस अध्यक्ष का यह भी कहना है कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 महीनों में मनेन्द्रगढ़ या आसपास के क्षेत्रों में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस के अधूरे कामों पर फीता काट रही है। लिए एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विष्णुदेव साय जी ने दी है और प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज जिनमें मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, कबीरधाम और गीदम जो है शामिल हैं, ये 4 मेडिकल कॉलेज की टेंडर आज फ्लोट कर दी गई है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज 305 करोड़ की लागत से बनेगा। ऐसे 1220 करोड़ रुपए का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में अब मेडिकल के क्षेत्र में हमारे 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी अब नहीं होगी। बताना चाहूँगा 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने मनेन्द्रगढ़ विधानसभा को गोद लिया था। गोद लेने के बाद न वो मनेन्द्रगढ़ को जिला बना पाए, न मनेन्द्रगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात दे पाए, न मनेन्द्रगढ़ को जिला अस्पताल की सौगात दे पाए, न मनेन्द्रगढ़ में वो हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोल पाए, न पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल पाए, न एग्रीकल्चर का कॉलेज खोल पाए। उल्टे यहाँ की जो चीजें थी, जो मनेन्द्रगढ़ का अधिकार था, वो धीरे धीरे जो है वो बैकुंठपुर को हस्तांतरित किए। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो मैं वैसे जानते सभी हैं, लेकिन एक बात उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति